और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में येचुरी ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सीताराम येचुरी, ये बड़ी खबर। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में येचुरी भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था और वहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीताराम येचुरी का निधन। सीपीएम नेता, उनका निधन हो गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे। दिल्ली एम्स में भर्ती थे सीताराम येचुरी और उनका निधन की यह जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मार्क्सवादी नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, उनका निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में भर्ती थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 72 साल के थे, बताया जा रहा है कि एम्स के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था और पिछले दिनों उन्हें भर्ती करवाया गया था एम्स में। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सीताराम येचुरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर, 72 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। सीताराम येचुरी, देश की सियासत का एक बड़ा चेहरा, मार्क्सवादी नेता, कम्युनिस्ट नेता, उनका निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की सियासत का एक जाना माना चेहरा सीताराम येचुरी, लेकिन अब यह अध्याय समाप्त। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया है। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे, पिछले कुछ समय से उनका इलाज यहां पर चल रहा था दिल्ली एम्स में। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है, सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, और उनका निधन की यह जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर सामने आई है, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में येचुरी का इलाज चल रहा था, लंबे समय से वो बीमार थे और अब ये जानकारी सामने आई है। हरियाणा की सियासत से जुड़ी, हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ, उन्होंने अंतिम सांस ली है, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई।